आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ अपने को कथन दे रखे हैं। पहला है, फिनलैंड बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तीसरा कथन है, फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी है। तो चलिए यहाँ पे फिनलैंड की बात करते हैं। जो फिनलैंड है वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर तट पर स्थित है, ठीक है, ये तो कथन यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा कथन अपने को क्या दे रखा है कि फिनलैंड झीलों का देश है, यह भी ठीक है कि जो फिनलैंड है यह झीलों का देश है। फिनलैंड, इसे क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि इस देश में सबसे अधिक झीलें हैं, ठीक है। तीसरा अपने को यहाँ पे क्या कथन दे रखा है, तीसरा कथन यह दे रखा है कि इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। तो इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी ही है, ठीक है। तो ये तीनों कथन ठीक है। और फिनलैंड को, फिनलैंड अलग से देश कब बना था, इसे 1917 में रूसी साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी, 1917 में रूसी साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी, तब ये जाके एक अलग से नया देश बना था। और ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। कैसा देश है, खुशहाल देश है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, खुशहाल देश है। अब अपने कथन पढ़ते हैं। तो अपने जो यहाँ पे तीनों कथन है वह सही है, ये बाल्टिक देश है, झीलों का देश है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो यहाँ पे जो ये सारे कथन है ये सही हो जाएंगे, जो अपने को ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं ये सभी। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।